बिलहु बिलहु मलहु पनहु बिलहु बिलहु मलहु पनहु बिलहु पनहु अरे एक रुपया होता है एक रुपया। हम एक रुपया नहीं देगा। अरे दूसरा लोग हमको खुशामद करके छोड़ के जाता है। दूसरा लोग कोई और होगा, जब हम मजदूरी लेता है तो पूरी लेता है, नहीं तो रख लो ये भी तुम्हारा। हमको नहीं मांगते तुम्हारा भी। ए, ए बड़ी बीलो, हमारी तरफ से बच्चों को दूध पिला देना। देखिए ना साहब, उधर से एक रुपए का सवारी लेके आया, इधर ला के दो आना देता है, और फिर वो भी ऐसा जैसा खैरात देता है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अजीत रिक्शा। जानते हो कहाँ हो? हाँ सर, ये कमिश्नर। जैसे समुद्र में पूर्ण जिसे जल भरा हुआ है और उसमें बहुत से नदी। माँ बाबा आ गए। बाबा, मुन्नी 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 मेरा मुन्नी मेरा मुन्नी। अरे तू अभी तक सोई नहीं? आज दिन भर सोई है ये। अच्छा, जब ही आंखें पटर पटर चल रही हैं शरीर कहीं। प्रकाश ने खाना खाया? बिल्कुल अभी नहीं, पढ़ रहा है। उसे दिमागी काम करना पड़ता है, जरा जल्दी खिला दिया करो। हाँ मेरे पास मुन्नी। बाबा थक के आए हैं। एक दो तीन, ये प्रकाश की फीस के लिए जमा कर देना। एक रुपया कल के लिए काफी तो क्या होगा? चल जाए। चल तो है, क्या जाए, ये कहो कि तुम चला लोगी। माँ इसमें रोज रुपए क्यों डालती है? तुम जमा कर रही हूँ तेरी चाचा की फीस के लिए। और मेरी फीस के लिए? ओहो, तेरी फीस के लिए? अरे जब तू बड़ी हो जाएगी तो हमको तेरी चीज के लिए ऐसे रुपए थोड़ी जमा करने पड़ेंगे। जब तो हमारे पास इतने ढेर रुपए होंगे। हाँ। इतने रुपए कौन देगा? प्रकाश चल चल कर खाना खा ले, पीछे पड़ ले। भैया आ गए? हाँ तुम्हारे भैया आ गए। अरे प्रकाश ये ले जरा पहन के तो देखे। मैं तो यूं ही उठा लाया हूँ। ले ले। नहीं पहनते? हाँ। फिर पहन लेगा, पहले चलकर खाना तो खा लो। ले पहन। तेरे पास कपड़े हैं कहाँ? है तो वही एक ही पतलून ना, उसी धोना उसे ही पहनना। अगर तू ये सारा वक्त अपना पढ़ाई में लगाए ना तो यूनिवर्स तोड़ सकता है। भैया तुम कभी अपने बारे में भी सोचते हो? सुबह 6 बजे गए थे, अभी रात के 7। भैया कभी ये भी सोचा है कि तुम
तुम्हारा भी शरीर ही तो है। प्रकाश, ये तुझे क्या हो गया? अगर तुम्हें हो गया तो मुन्नी, भाभी और खुद अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा? है, कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम 6-8 घंटों से ज्यादा रिक्शा में चलाया करो। मैं एक दो बच्चों को पढ़ाकर अपने अखराजात पूरे कर लूंगा। तू खुद पढ़ेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? बच्चों को पढ़ूंगा भी। और नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। भैया, जब तक तेरा इम्तिहान खत्म नहीं होता तू अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचेगा। प्रकाश, मैं नहीं चाहता कि तू अपना 1 मिनट भी जाया करे, मगर न जाने तू क्या सोचता रहता है। कमाएगा तू, लेकिन पहले किसी काबिल तो हो जा, इतना बेसब्रा क्यों होता है? मुझे ये हालत देखकर शर्म आती है। मुझे क्या हक है कि तुम रिक्शा चलाओ और मैं शहजादों की तरह? प्रकाश, प्रकाश, तू समझता क्यों नहीं कि तू पढ़ता है और मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मुझे जिंदगी का एक मकसद मिलता है। इधर मुझे देखो, कोई रिक्शा पर बैठ जाता है, मजदूरी कम देता है, तकाजा करो तो कहता है पुलिस स्टेशन चलो। अब तू ही बता, जितनी देर में पुलिस स्टेशन जाया जाए उतनी देर में और ज्यादा मजदूरी कमाई जा सकती है कि नहीं? अब तू ही बता, अगर कहीं तू पढ़ लिख कर पुलिस में अफसर हो जाए तो क्या ये तेरा फर्ज नहीं कि तू देखे किसी पर बेइंसाफी ना हो? फर्ज क्यों नहीं, तू ऐसा क्यों नहीं करता? मैं भी अक्सर सोचता था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रकाश, तू एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनेगा। देखा, तेरे एक अकेले के पढ़ने से कितनों का फायदा होगा। अब ये सब क्या शुरू कर दिया? अंदर खाना ठंडा हो रहा है। ये ठीक है ना लक्ष्मी? क्या ठीक है? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता था कि प्रकाश पढ़ लिख कर करेगा क्या। अब सूझी, ये एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनेगा, ऐसा पुलिस अफसर जिसकी हमें जरूरत है, जो गरीबों के लिए लड़ेगा। जोड़ी बनाए रखना, कहीं नजर ना लग जाए। अरे तुम तो खाना खिला रही थी। तुम्हें सपने देखते खाने की फुर्सत हो तब ना। और तुम ये भगवान से क्या मांग रही थी? भगवान से क्या मांग रही थी, बस यही कह रही थी, हे भगवान, इन्हें दुनिया की पड़ी है, जरा अपनी सुध लेने की भी बुद्धि दो। तो क्या मैं बुद्धू हूँ? लो भला, ये मैं कह सकती हूँ? देखो ना ये अपना फटाकोट, सच कहती हूँ मैं तो इसे सीधे सीधे हार गई। सब की सोचते हो कभी अपना कोट तो बदल जाए। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश को जरा कुछ तुम खोलने तो दो, फिर तुम देखना मैं रोज बाकायदा सूट पहनूंगा, टाई लगाऊंगा। वो तो जब होगा। देखो मैं कल उस डिब्बे में से थोड़े से रुपए निकालती हूँ, बस तुम अपने लिए कोट का कपड़ा ले आओ। खबरदार, जो उस डब्बे में से किसी काम के लिए एक पैसा भी निकाला, तुम्हें मेरी खबर। ब्राह्मण ने तुम्हें ऐसी सौगंध देने की क्या जरूरत थी? मना भी तो कर सकते थे। ठीक है लक्ष्मी, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। आज बहुत खुश मालूम हो रही हो। क्या बात, क्या? एक अच्छी खबर है। अखबार में? घर में। घर में? तुम समझते क्यों नहीं? क्या नहीं समझे? कुछ महीनों में घर में रौनक बढ़ने वाली है। सच? ओ, अब समझा, मुन्ना होगा। प्रकाश, क्या रिंडोरा पीटते हैं? नहीं? मामा, अच्छा, हाँ देखो आज फिर जल्दी आ जाना, मुन्नी का जन्मदिन है। लो, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा ये बता, तू अपने जन्मदिन पे क्या लेगी? माँ कहती थी कि गुड्डा देंगे। हाँ गुड्डा देंगे,
गुड्डे के आने में तो अभी देर है बेटा, अब हम तुझे गुड़िया ला दे। भैया ये देखो क्या दस्ता है, क्यों लक्ष्मी? ये तो अभी से कोई बहुत बड़ा अफसर मालूम होता है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, आज मुझे आने में शायद देर हो जाएगी, हमारा हॉकी का मैच है। अच्छा अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ, सूरज डूबने से पहले ही आ जाऊंगा। हाँ अच्छा और बाबा मेरे लिए गुड़िया ले आओगे ना? अच्छा अच्छा बेटे ले आऊंगा। तो जीतने में मजा नहीं आया जितना हारने में आ रहा था। घबराइए नहीं, फिर कभी कहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन दिल को परेशानी यही है कि फिर जा रही हो? हाँ मैच भी तो खत्म हो गया, फिर मिलेंगे। सच? क्या बात है उस्ताद, आज बहुत परेशान नजर आ रहे। कुछ नहीं दीपक, सुबह से एक सवारी भी नहीं मिली, और आज मुन्नी का जन्मदिन है, मैंने उससे गुड़िया लाने का वादा किया है। तेरी भाभी बड़े अरमान से कह रही थी कि आज मुन्नी का जन्मदिन मनाएंगे। उस्ताद तो नहीं रही हूँ लक्ष्मी। क्यों? मैं तुम्हें कहां से कहां ले आया, तुम्हारे माँ बाप भी इस बिया में शरीक नहीं हुए, उनके लिए मैं मर गई। ऐसा ना कहो लक्ष्मी, कुछ दिनों नाराज रह सकते हैं लेकिन अपने फिर आखिर अपने होते हैं। नहीं पिताजी मानने वाले नहीं, उन्हें अभी भी यकीन है एक दिन मैं गिड़गिड़ाती हुई बराबर पड़ूंगी, अपने हट के लिए उम्र भर रोती रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कभी पछताना ना होगा जब तक मैं जिंदा हूं। ऐसे शुभ दिन अशुभ बात नहीं कहते। मैं कह रहा था कि अजीब मनहूस दिन है, जिस दिन ज्यादा जरूरत होती है उसी दिन कुछ नहीं मिलता। अच्छा दीपक तो मिलेगा उस्ताद, कोशिश किए जाओ। लेकिन पहला पहला प्यार भरते में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादू कर। क्यों भाई बड़े खुश हो? कुछ नहीं भाभी, कभी कभी यूं ही गुनगुनाने को जी चाहता है। अरे क्या शर्माने को भी जी चाहता है? तुम भी भाभी बड़ी समझदार हूँ क्यों, लेकिन देखना भाई जरा समझ कर, यूं ही जब कभी शर्माने को मुस्कुराने को गुनगुनाने को जी चाहता है तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। तुम भी भाभी कहां से कहां बात को ले गई। अजी मुझसे क्या छिपाते हो, मैं तो यही कह रही हूँ कहीं मुश्किल में ना पड़ जाना, खुद भुगत चुकी हूँ ना। क्यों अफसोस होता है क्या? हाँ तुम्हारे भैया को देख कर दुख जरूर होता है, उनको हमारे लिए क्या क्या करना पड़ा, वरना भला कोई सोच सकता था कि उन्हें रिक्शा चलानी पड़ेगी। मैंने तो कितनी बार कहा कि रिक्शा चलाना छोड़ दें। तुम्हारे भैया हार मानने वाले नहीं है, उन्होंने लड़ना सीखा है। कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा, हो पांव तले तेरे जमीन जग बिछाए जा, जग बिछाए जा। ये कौन मुस्कुरा दिया के फूल खिल गए, फूल खिल गए। ये कौन मुस्कुरा दिया के फूल खिल गए, फूल खिल गए। पुकारता है दिल मेरा वो मुझको मिल गए, मुझको मिल गए।
ख्याल में बसाए जा, नजर मिलाए जा, नजर मिलाए जा, कदम बढ़ाए जा, न डर कदम बढ़ाए जा, वो पांव तले तेरे जमीन जग पे छाए जा, जग पे छाए जा। सलाम साहब, आ साहब बैठो। किधर चलेगा साहब? आबिद रोड। आबिद रोड, अच्छा साहब। रोको। पैसा ठहरो ठहरो, अभी आते हैं। आओ साहब, गुड़िया आठाना, आठाना गुड़िया, गुड़िया आठाना। ये देखिए हुजूर, असली मोतियों का बना हुआ है। वो दिखाइए। जरूर देखिए। इसकी बारीकी मुलाहजा फरमाइए। दूसरा दिखाइए। जी हाँ, देखिएगा, ये आप जरूर पसंद फरमाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। फरमाइए, आपके लिए क्या चीज पेश की जाए? खबरदार, कभी अपनी जगह चला तो गोली मार दो। कोई जरा अच्छी सी बताइए। हाँ, ये इसे क्या कहते हैं? एक रुपया। एक रुपया, कुछ कम नहीं होगा? कुछ नहीं। अच्छा, इसको जरा अलग रखिए, अभी हमारे ग्राहक आते हैं, उनसे पैसे ले जाओ। ले जाओ, हम तुम्हारे क्लोज ही हैं, पैसे फिर आ जाएंगे। अच्छा, हाँ सेठ, कुछ पैसे दे दिए, मुझे उसको देना। दे दिए जाएंगे, चलो चलो चलो। सेठ, मुझे जाने दीजिए ना, आज मेरी लड़की का जन्मदिन है, मुझे जल्दी घर जाना। चलो, मैं कहता हूँ, चलो। जा रही है? मैं समझी डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या वो लोग पकड़े गए? नहीं, वो मुझे भी झांसा दे गए। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे? हाँ। क्यों? बयान देने के लिए। सरिता, सरिता। बैठ जाओ।
नीचे उतरो। मेरा किराया नहीं, नहीं सर, मेरे दीदी बच्ची, मेरी बीवी बच्ची, आज मेरी बच्ची का जन्मदिन भी है। उठा, चलो उठा। कोई रिक्शा वाला मालिक होता है, सच पार्टी का इंतजाम करो जल्दी। माँ बाबा आप तो क्यों नहीं आए? मालूम नहीं मन्नी, तो सब आते ही होंगे। वो मेरी गुड़िया ले आएंगे ना? हाँ मम्मी, जरूर लेकर आएंगे तेरी गुड़िया। ले आ गए तेरे बाबा, चल उठ। रिक्शा, खाली रिक्शा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? अजीत रिक्शे वाले का मकान यही है। घर में कोई मर्द है? वहां क्या है, आप बोलते क्यों नहीं? प्रकाश, प्रकाश, क्या है भाभी? प्रकाश, तेरे भैया प्रकाश, रिक्शा खाली है। मेरे भैया नहीं आए, मेरा कलेजा फटा जाता है। घबराइए, धीरज रखिए, आपके भैया। हाय भगवान, मैं कोई बुरी खबर ना सुन सकूंगी। हे भगवान, कोई बुरी खबर सुनाने से पहले मुझे उठा ले, मैं जीकर क्या करूंगी? भाभी, भैया, दादी आज बड़ी देर लगा दी। हाँ बेटी, कुछ गुंडों ने एक रिक्शे वाले को गोली मार दी। मर गया बेचारा? लाश तो नहीं मिली, उसी के घर से आ रहा हूँ। कोहराम मच गया, बेचारे की बीवी बच्चे हैं, भाई है। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा मैं भी आता हूँ। बेटी उम्र आ रही, मैं चलता हूँ उसे अस्पताल भिजवा दूँ। लेकिन डैडी, उसके घर वालों को भी तो खबर करनी चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, ड्राइवर का घर जानता है, और तुम खुद ही कही आओ।
ये घर है जी। अजीत रिक्शा वाले का घर आप जी? आप? मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे पिताजी ने भेजा है, नहीं होते हैं, उन्हें गोली लगी है, पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई है। मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे, मैं जानता था वो मर नहीं सकते। भाभी 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 भैया अच्छे हो जाएंगे। वो देखो कौन आया है भैया की खबर लेकर। कोई खतरा नहीं है, 10-15 मिनट में होश में आ जाएंगे और आपके साथ बात करेंगे। अच्छा हाँ, और देखो उस पर कड़ी निगरानी रखना, उसके करीबी रिश्तेदारों के सिवा किसी को मिलने न देना, समझे? बहुत अच्छा। उठने की कोशिश मत करो, जो हाल तुम्हारा हुआ है वही तुम्हारी बीवी बच्ची और भाई का होने वाला है, एक नहीं बचेगा उनमें से। पुलिस तुमसे बयान लेगी, तुम साफ इनकार कर दोगे कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ए दीपक, उस्ताद का हाल कैसा है रे? बहुत बुरा रे, अभी तक बेचारे को होश नहीं आया। होश नहीं आया? अरे ये रिक्शा का धंधा कैसा है रे? एकदम घोटा है रे, पूछो ना, बेचारे उस्ताद ने उन लोगों को क्या बिगाड़ा था? गोली मार दी। अरे किधर देखो उधर गरीब मारा, क्या करेंगे रे अभी। आप लोग ठहरिए, मैं भी पूछवाती हूँ। भैया उमा, तुम यहाँ? ये लोग कौन? ये उस रिक्शा वाले के भाई हैं जिन्हें गोली लगी थी, ये उनकी बीवी और ये बच्ची है। लेकिन हमारी गाड़ी में क्यों? क्योंकि मैं इन्हें लाई हूँ। तुम लाई हो? तुम्हारे इनसे क्या वास्ता है? भैया मेरा इनसे कुछ भी वास्ता हो, आप बता सकते हैं इनके भाई साहब कौन से कमरे में हैं? हवलदार जी सर, इन्हें पेशेंट के कमरे में ले जाओ। उमा तुम्हें रिक्शे वालों को अपनी गाड़ी में नहीं लाना चाहिए था, जाओ घर जाओ। कैसा है? अच्छा लक्ष्मी, तुम रो रहे। लक्ष्मी तुमने मेरा किसी का क्या बिगाड़ा था? भाभी रोते नहीं, देखो मुन्नी कहाँ रो रही है। मुन्नी कभी नहीं रोती। मुन्नी हम तुम्हारी गुड़िया नहीं रहे, तुम नाराज तो नहीं? माँ काहे को रोती है? हम तुम्हारी गुड़िया नहीं लाए इसलिए रोती। मैं तो नहीं रोती माँ, तुम रो मत, बाबा को बुखार आया ना, बाबा जब अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हारे वास्ते भी गुड़िया लाएंगे। हाँ देखो तो कहाँ कहाँ चोट लगी है। नहीं लक्ष्मी, बाबा आप इन्हें आराम करने दीजिए। चलो भाभी, मैं बाबा के पास रू। मुन्नी नहीं, ऐसा नहीं करते मुन्नी, चलो।
हेलो कमिश्नर साहब, ऊपर चलो ना भैया। तुम चलो ना। सरिता, मिस सरिता, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओह, नमस्ते। नमस्ते। ये मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। कोई बात नहीं कमिश्नर साहब, ये तो हर ईमानदार शहरी का फर्ज है कि पुलिस के साथ पूरी पूरी कोऑपरेशन करे। शुक्रिया। अब मुझे इजाजत। तशरीफ रखिए। हाँ, तो मिस सरिता उस डकैती की रात आप दुकान पर मौजूद थी? जी हाँ। उन डाकों के मुतालिक कुछ बता सकती हैं? जी। मेरा मतलब है उनकी सूरत शक्ल कैसी थी, कुछ हुलिया बयान कर सकती हैं? जी नहीं, मैं कुछ इस कदर डर गई थी कि उनकी सूरत देखे बगैर ही मैं वहां से भाग निकली और मैं समझी कि वो लोग मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ओह, आई सी। तो उन लोगों ने आपकी गाड़ी का पीछा किया था? जी नहीं, मैंने जब गाड़ी रोकी तो मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर उमेश मेरा पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर उमेश? जी हाँ। वो आपकी गाड़ी का क्यों पीछा कर रहे थे? वो समझे कि डाकू मेरी गाड़ी में है। मिस सरिता, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप हैदराबाद कब से आई? पार्टीशन के बाद मैं कुछ अरसे बॉम्बे में रही और अब मैं 3S क्लब में डांस करती हूँ। आप उमेश को कब से जानती हैं? यही कुछ 6 महीने से। वो इस क्लब के मेंबर है। मेंबर? आप कुछ और जानना चाहते हैं? नो, थैंक यू। ओह, माफ कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का वक्त हो गया है। आप जा सकती हैं। शुक्रिया। भैया, भाभी को आने में काफी देर लगेगी ना? क्यों, कोई जरूरी काम था? कुछ नहीं, भाभी ने कहा था अजीत की रिक्शा ले जाने के लिए। भैया की रिक्शा? क्यों? देखो ना भैया, किराया तो मुझे बाहर भी देना पड़ता है और रिक्शा यहाँ पड़ी हुई है, कोई चलाता नहीं। जो किराया मैं महाजन को देता हूँ वही मैं यहाँ दिया करूंगा। नहीं नहीं, भैया की रिक्शा किराए पर नहीं देने की। क्यों नहीं देने की? तुम भी तो नहीं चलाते, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सब तुम्हारे सोचने की नहीं, भैया की रिक्शा किराए पर नहीं देने की और नहीं देने की। प्रकाश सुनो तो। नहीं सुंदर भैया, तुम जाओ, जो तेरी मर्जी। नमस्ते बाबा। ये तूने क्या किया प्रकाश? सुंदर भैया को तो मैंने बुलाया था। हाँ भाभी, लेकिन भैया की रिक्शा कोई नहीं चलाएगा। तू सोचता क्यों नहीं? भैया की रिक्शा कोई नहीं चलाएगा, जानता भी है सिर्फ 2 रुपए का रोज का उनका फल का खर्चा है, फिर मुझे घर का खर्चा नहीं चलाना। मैं जिंदा हूँ भाभी, तुम फिक्र क्यों करती हो? अरे तू पढ़ेगा या कमाएगा? पढ़ने वाले साथ साथ कमा भी लेते हैं। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तेरे भैया मुझसे नाराज होंगे, वो नहीं चाहते तेरी पढ़ाई में किसी किस्म का बाधा आए। लेकिन भाभी, रिक्शा किराए पर भी दे दोगी तो क्या खर्चे पूरे हो जाएंगे? सो तो नहीं होंगे, सोचती हूँ 1-1.5 महीने की बात है, मैं कहीं नौकरी कर लूं। लानत है ऐसी पढ़ाई पर, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसके लिए तुम लोगों के यहाँ नौकरी करती फिरोगी और कुछ ना होगा। अरे कैसी बातें करता है, कल जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, फिर हमें खिलाते रहना। भाभी, कल क्या होगा ये बात जाने दो, आज की बात करो। भैया अगर बिस्तर पर पड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत मजदूरी करो, या वो रिक्शा जिसे उन्होंने जान से ज्यादा प्यारी रखा है दूसरी चलाते फिरे। तो मैं 1-2 दिन में कुछ कर लूंगा, आज मेरी बातचीत हुई है। तू आज सारा दिन नौकरी ढूंढता रहा है? तुम कुछ दिन तक वो भैया ने जो रुपए जमा किए हैं उनसे चला लेना। तेरी फीस के रुपए? ना बाबा ना, मैं उन्हें हाथ नहीं लगाने की, मुझे सौगंध है। सौगंध क्या, निराहट है, मैं जो कहता हूँ वो करो।
रिक्शा यहाँ पड़ी हुई है, तुम भी तो नहीं चलाओगे? मैं कहीं नौकरी कर लूं और मुझसे कुछ ना होगा? नहीं, तू अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचेगा। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? भैया अगर बिस्तर पर पड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत मजदूरी करो। लानत है ऐसी पढ़ाई पर। रिक्शा आया साहब। चलो। कहाँ चलने का साहब? चलो बताते हैं। साहब मूड में दिखता है। इंस्पेक्टर डिसोजा, डकैती की सब फाइलें ले आई और इंस्पेक्टर उमेश की डेली रिपोर्ट भी। यस सर। बाबूजी, बाबूजी, किराया नहीं दोगे? बदतमीज, हमें नहीं पहचानता? जान पहचान करने तो आया नहीं, किराया दिए बगैर चले कहाँ? तमीज, खबरदार जो हाथ उठाया तो ये न समझना कि किसी गंवार कुली के साथ वास्ता पड़ा है। हेलो, क्या बात? अब आप ही देखिए ना साहब, एक तो किराया नहीं देते और मांगा तो मारने के लिए हाथ उठाते हैं। रमेश ठीक कह रहा है? बिल्कुल बकवास कर रहा है। तमीज से बात। अरे पोजीशन है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा इंसान ही नहीं। कितना किराया? जितना आप ठीक समझे। कहाँ चला? 3 SS क्लब के पास से। 2 रुपए दे दो। सलाम साहब। सलाम। जाओ। हाँ 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 हाँ। उमेश, उस डकैती की तफ्तीश तुम कर रहे हो? जी। और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? जी नहीं। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? 3 SS क्लब से। 3 SS क्लब। तुम सरिता कब से जानते हो? आज से 4 महीने पहले जो डकैती हुई थी तब से। उस डकैती की रात तुमने सरिता का पीछा किया था? जी हाँ। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी डेली रिपोर्ट में नहीं है। और? हाँ, साथ मैंने 2500 आदमियों का पीछा किया, लेकिन सबकी तफसील तुमने रिपोर्ट में नहीं दी। कई आसामियां जाहिरन तौर पर शक के काबिल नहीं समझी गई। ओ, लेकिन इस मामले में अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है? जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये केस मैंने अपने हाथों में दे दिया है। जी हाँ, तुम जा सकते। माँ रो रही है। रो रही है क्यों? पता नहीं। अरे चल हम उसे हंसा देंगे। देख तो मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। ले चल चल। भाभी भाभी ये देखो, भैया के लिए फल, घर में बनाने के लिए तरकारी, मैं सब ले आया। अब तो खुश हो ना? और हाँ, ये 1 रुपया फीस के लिए जमा। अरे तुम तो खामोश हो, सवेरे सवेरे मुझे न देखकर घबरा गई थी क्या? भाभी क्या हुआ? भाभी हम लुट गए प्रकाश। क्या हुआ भाभी, बोलो भाभी क्या हुआ? मेरे भैया ने जो 20 रुपए जमा किए थे, रात को एक चोर आकर ले गया। अब इस फीस का क्या होगा? पहले ही रुपए कम थे। मैं तुम्हारे भैया को क्या मुंह दिखाऊं? डॉक्टर और कितने दिन लगेंगे? मैं कब तक अच्छा हूँ? 1.5 महीने से कम नहीं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है डॉक्टर, मैं मजदूर आदमी, अगर मजदूरी नहीं करूंगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे जल्दी अच्छा कर दो डॉक्टर। घबराने से कुछ ना हो, जख्म काफी गहरा है। क्यों प्रकाश, आज रिक्शा तो सुबह सुबह तैयार कर ली। रात भर ही मिलती भाभी। लेकिन दिन में फिर कॉलेज के लड़के देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कहेंगे रिक्शा चलाता है। तुझे शर्म आएगी? मुझे परसों 2 महीने की फीस देनी है, आज और कल में इकट्ठी न की तो शर्मी रह जाएगी भाभी। लेकिन 25-30 रुपए 2 दिन में?
देखो कोशिश करता हूं। आप सेकंड हैंड किताबें खरीदते हैं? देखें, 10 रुपए होंगे इनके। 10 रुपए? अच्छा दे दीजिए। प्रकाश किताबें बेच रहा है, इन किताबों का क्या दाम होगा? 15 रुपए। पैक कर दीजिए। रिक्शा ठहरना। कहाँ जाना है? आपका पार्सल सामने वाली गली में लेना। पढ़ता तो है ना प्रकाश? हाँ, दिन रात लगा ही रहता है। अब ज्यादा दिन नहीं, कल डॉक्टर कह रहा था कुछ ही दिनों में मैं घर जा सकूंगा। भगवान करे, लेकिन देखो अब मैं तुम्हें इतनी जल्दी काम नहीं करने दूंगी। रुपए भी तो खत्म होने को आए होंगे। रुपए नहीं, अभी तो है, तुम फिक्र मत करो। क्या फिक्र करें और क्या फिक्र न करें, हमने सौगंध ली थी उन रुपयों को न छूने की। और आ जाएंगे। लेकिन अब देने कितने हैं? महीने भर में प्रकाश की फीस और दाखिला देना होगा। अगर रुपए इकट्ठा न कर सका तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, प्रकाश कॉलेज से आ गया होगा, तुम ये फल जरूर खा लेना। हाँ, उसके खाने पीने का ख्याल रखना। मजदूरी बोलिए। मजदूरी तो वसूल हो गई, हुकुम कीजिए फिर कब हाजिर हूँ। ये लीजिए। ये चोरी? तुझे शर्म नहीं आती? जो एहसान करता उसी के चोरी करते हैं। बुलवाऊं पुलिस को और करवा दूं बात? बात क्या है चाची? है जैसे कुछ जानती ही नहीं। भगवान जाने मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भी भगवान का नाम लेती है, तुझे चोरी करने को कोई और घर नहीं मिला था। चोरी? ला दे वो 5 रुपए का नोट जो टेबल पर से उठा लाई है। मैं कुछ नहीं उठा लाई चाची, सच कहती हूँ। हमारे बुरे दिन सही, लेकिन उन्होंने हमें बुरा नहीं बना दिया। तो क्या नोट को पर लग गए? अब मैं क्या जानू, कोई और भी तो उठा सकता है। तू ऐसे नहीं मानेगी, बुलाती हूँ मैं। चाची, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कोई सुन लेगा तो क्या होगा, चोरों का कुनबा ही तो ठहरा। झाड़ू लगाने के आए, घर में ही झाड़ू लगा दिया। चाची, कौन तुम्हारे घर झाड़ू लगाने आया था? कौन है चोर? इसी से पूछो ना, मुझे क्या आंखें दिखाते हो तुम इनके घर झाड़ू लगाने गई? ऐसा बोलो, आओ अंदर चलकर बैठ जाओ। तुम्हें डॉक्टर ने इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? ये घर में कपड़े कैसे रख रहे? कमाने का ढोंग है, दिखाने को मजदूरी करती है। मौका लगे तो गला काटने से भी नहीं चूकती। मैं अब भी कह देती हूँ कि शराफत से मेरे रुपए लौटा दीजो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। तुम अंदर चलकर बैठ जाओ। कुछ पता तो चले कि मात्रा क्या है। तुम्हें लोगों के यहाँ झाड़ू देने और उनके कपड़े धोने की जरूरत क्या? तुमसे जब कह दिया था कि डिब्बे पे रुपए खर्च कर लो, वो रुपए चोरी हो गए, मुझसे किसी ने कहा क्यों नहीं? प्रकाश कहाँ है? तुम लोग चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? मुनि, प्रकाश कहाँ? वो रिक्शा चलाने गए। रिक्शा चलाने? प्रकाश? प्रकाश ने गया? उसने क्या पढ़ाई छोड़ दी? 15-20 दिन में क्या हो गया? अब तुम अंदर चलकर लेटो, अस्पताल से क्यों लौट आए? नहीं नहीं, मैं अस्पताल से नहीं लौटता, तुम लोगों के यहाँ नौकरी करती और वो हमें गालियां सुना रहे, और वो कमबख्त, वो मेरी इज्जत रख रहा है, रिक्शा चला रहा है। लोग सोचते होंगे बड़े भाई की क्या सेवा कर रहा है, लेकिन उसने कभी ये ना सोचा कि वो मेरे अरमानों का खून कर रहा है। मैंने सोचा था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मगर उसने रिक्शा चलानी शुरू कर दी। अगर रुपए चोरी हो गए थे तो क्या मैं उसकी फीस ना देता? मैं खुद को बेच देता, लेकिन उसे पढ़ाता। उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अब तुमसे किसने कहा कि उसने पढ़ाई छोड़ दी? तुम किसी के सुनो तो। तुमने उसे रिक्शा चलाने क्यों दी? मैंने क्यों चलानी थी? वो भी तो मेरी सुनता है जैसे तुम सुनते हो। लाख बार पूछ चुकी हूँ क्यों अस्पताल से लौट आए, मगर मैं जाना जो जवाब दे जाओ। भाभी जी, भैया ने छुट्टी ले ली और डॉक्टर ने भी कहा
कि अब कोई खतरा नहीं। खतरा मुझे तो नहीं है, लेकिन वो जो रिक्शा चलाने गया है उसने मेरी हालत नहीं देखी। अगर वो कहीं डाकुओं के हत्थे चढ़ गया तो मैं तो खैर किसी तरह बच भी निकला था, लेकिन वो है भी नाजुक। इधर इम्तिहान के दिन करीब आ रहे, उधर बाबूजी रिक्शा चला रहे। सुंदर तू मुझे ले चल, मैं अभी उसे कान से पकड़ लाता हूँ। और सुनो, अभी जाना होगा। भैया तुम लेट जाओ, मैं उसे घर भेज देता हूँ। मैं लेटू और अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होता, तुम अंदर चल कर लेटो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ भाभी ठीक कहती है, लेट जाओ लेट जाओ। अच्छा चलो। अच्छा सुंदर, उससे कहना कि तेरा भैया घर आ गया है, वो जिंदा है, तुझे जान की बाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं। तू जाके पा, वो तेरी राह देख रहा है। बहुत ले मुनी। बिमला आज पार्टी में कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं, जरा जल्दी करो ना। बेबी बेबी एक क्या तुमने रिक्शा मंगाया है? रिक्शा? हाँ हाँ साइकिल रिक्शा। हाँ हाँ उसको ठहरने के लिए। अच्छा क्या हम लोग रिक्शा में जाएंगे? नहीं नहीं तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हाँ जाना नहीं। पीजिए चाय। नमस्ते। नमस्ते। उमा आपसे कुछ कह गई थी क्या? क्यों आई नहीं? कहाँ गई है? यही एक पार्टी पर जाना था, तैयार हो रही थी। इतने में नौकरानी ने आके कहा आपने रिक्शा बुलवाई थी क्या, बस चल दी। तुमसे कुछ नहीं कहा? बस यही आई एक मिनट में। आते वक्त रिक्शा तो हमने जरूर देखी थी, वही अजीत का भाई था, लड़का कॉलेज में पढ़ता है। ओ, अब समझी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। विमला तुम उस लड़के को जानती हो? उमा ने कुछ कहा था तुमसे उसके बारे में? मुझसे क्या कहती? तुमने अभी कहा था ना वो अब समझी। आप तो जैसे मुझे क्रॉस एग्जामिन करने लगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जी हाँ। क्या? जो मेरी मर्जी, आप मुझे बयान देने पर मजबूर नहीं कर सकते। उमेश बहुत ज्यादती करते हो। मैं ज्यादती नहीं करता, आप ज्यादा नरमी बरतते हैं। मुझे उमा के ढंग अच्छे नहीं लगते। मुझे तुम्हारे भी ढंग अच्छे नहीं लगते। आपने मुझ में कौन सा ऐप देखा है? इस वक्त तो मेरा कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना याद रखो, अगर किसी दिन भी सबूत मिल गया तो फिर यह ना समझना बाप के नाते मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ क्यों नहीं कहते? उमेश तुम एक जिम्मेदार अफसर हो और अकलमंद को इशारा काफी है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और हां उमा के बारे में तुम्हें उससे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इसके माने यह है कि आप उमा को उस रिक्शे वाले के भाई से मिलने देंगे? वो रिक्शे वाले का भाई नहीं, वो खुद भी रिक्शा चलाता है, उसे अपने खानदान की सास है, झूठी शान का बहन नहीं। कल मुसीबत में पड़ जाओ तो एक दिन भी ये जहरी बाई का दिन बस अदा कर सको। अगर एक बीए का स्टूडेंट होकर उसमें रिक्शा चलाने की हिम्मत है तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है, मैं अपने आप को उससे बड़ा आदमी नहीं समझता। लेकिन उसका भाई मुजरिम है। क्या? जी हाँ, दरअसल वो उन डाकुओं से मिला हुआ था, आपस में फूट पड़ जाने की वजह से उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की, इसीलिए अपने बयान में उसने साफ इनकार कर दिया कि किसी को नहीं पहचानता। उमेश तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जिम्मेदार अफसर हो और अपने अफसर के सामने एक ऐसा बयान दे रहे हो जो सरासर गलत है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। क्या तुम अपना यह बयान मुझे लिख कर देने के लिए तैयार हो? लेकिन एक दिन मैं आपको सबूत दूंगा, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आप भी समझ जाएंगे कि जाहिरन मासूम और मुसीबत के मारे ही दरअसल मुसीबत की जड़ है। एक दिन? जी हाँ। तो उस दिन तक इन मासूम और मुसीबत के मारे लोगों के खिलाफ मुझे एक लफ्ज भी सुनना गवारा न होगा। तो इसके माने यह है कि उमा को आप उस कमीने के चक्कर में पड़ने देंगे? उमेश कान को लगाम दो, मैं इन गरीबों के बारे में किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और उमा के साथ कौन सा रवैया अख्तियार करना होगा यह मेरा काम है। तुम जा सकते हो। और सुनो, अजीत पर जो तुमने जुर्म ठहराया है मैं उसके सबूत के इंतजार में रहूंगा।
चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है। देखो शर्माना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है, दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है। नजर के जब चलते हैं दिल में शोले से जलते हैं, हाय जलते हैं, दिल की आग दबाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है। मारों को तड़पाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है। जब कोई नजर से उठती है एक आह जिगर से, आह जिगर से, आहों से दिल को जलाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है। समझा रहे हैं कि पढ़ना चाहिए। प्रकाश, तेरे दिल में कोई अरमान नहीं, तू कुछ नहीं चाहता, ये कौन कह सकता है, लेकिन अरमान कितनों के पूरे होते हैं।
एक मनुष्य और पशु के जीवन में क्या फर्क होता है, यही ना मनुष्य जो चाहता है उसके लिए सोचता है और उसे पाने के काबिल बनता है फिर उसे हासिल करता है। उन दिनों हमारे हालात अच्छे थे, दिल लगाकर नहीं पढ़ा। दिन जब बदले तो मैं रिक्शा चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। प्रकाश, प्रकाश तू तो बहुत करीब पहुंच चुका है, सिर्फ महीना दो महीने की बात है। महीने दो महीने की बात नहीं भैया, रुपयों की बात है। मैं फीस नहीं दे सका, शुक्रवार इम्तिहान का दाखिला देने का आखिरी दिन है। शुक्रवार? और आज कौन सा दिन है? मंगल। मंगल? तूने मुझसे पहले नहीं कहा? कहने से फायदा, इस हालत में तुम क्या कर सकते हो? इस हालत में मैं क्या कर सकता हूं? इस हालत में मैं क्या कर सकता हूं तू ये जानना चाहता है? तेरे इम्तिहान का दाखिला सिर्फ 150 रुपए है ना, और तू समझता है कि तेरे रुपयों के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा? वो स्वप्न जो मैंने सोच देखा है, वो आज एक चोर जो रुपए छुपा कर ले गया है, यह वो डाकू जिन्होंने मेरे पैर में गोली मार दी है, पूरा ना होने देंगे। अरे इंसान चाहे तो सारी दुनिया को हिला दे, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी जिंदगी अरे ये भी कोई जिंदगी है? जिंदा तो वो है जो कुछ कर गुजरे, बीमार तो हर वो है जो सोचता रहे, चाहता रहे कि अगर यूं हो जाता तो क्या होता। इस दुनिया में कुछ हो नहीं जाता प्रकाश, करना होता है। जा तू, जा तू, कुछ ना सोच, तू जाके पढ़ और समझ ले कि तेरी फीस, तेरा दाखला सब कुछ भर दिया गया। जा जा प्रकाश। प्रकाश भाभी, मंगल, बुध, ये फीस और दाखला न होने की वजह से जिंदगी भर सौते होंगे, और फिर उनकी औलाद, मेरी समझ में नहीं आता ये फीस और दाखले का बार सरकार क्यों नहीं उठा लेती। अब तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा? प्रकाश इम्तिहान में बैठेगा। सो तो बैठेगा ही, लेकिन कैसे? कैसे? उसका बड़ा भाई तो जिंदा है, इतना काफी नहीं? बड़ा भाई हर एक का नहीं होता। तुमने कभी अपना भी सोचा है? तुम्हारी टांग का जख्म भी भरा नहीं, और डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर, कल सुबह डॉक्टर को दिखाना है, मेरे साथ चलना, देख लेना डॉक्टर कहेगा, मुझे कोई खतरा नहीं, मैं अच्छा भला हूं, पहाड़ों से लड़ सकता हूं। लक्ष्मी, इंसान की सच्ची ख्वाहिश भी कुछ होती है, उससे तो भगवान भी नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं तुम्हें अभी रिक्शा नहीं चलाने दूंगी। घबराओ नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी घबराओ नहीं, सुबह तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है लक्ष्मी, मुझे कोई खतरा नहीं है। सब ठीक है ना डॉक्टर? जख्म भी भरा नहीं है। भर जाएगा, जख्म के भरने में कितनी देर लगती है? ये जख्म इतनी जल्दी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि तुम बेसब्र हो, तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और अगर आराम नसीब ना हो तो ये टांग बेकार हो सकती है, अगर इसकी रगे ठीक ना हुई तो हो सकता है ये टांग कटवानी पड़े। डॉक्टर मैं ठीक कह रहा हूं। प्रकाश भैया, अब तुम उन्हें जाकर रोकने की कोशिश करो, मेरी तो वो एक नहीं सुनते। भाभी, भैया का हट तो तुम जानती हो, मैं उन्हें कुछ कहता हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं, और अब तो डॉक्टर ने भी ज्यादा बहस मत करना, उसे पढ़ना है। अच्छा मुन्नी, उस दिन हम तुम्हारी गुड़िया नहीं लाए थे ना, लेकिन आज हम जरूर ले आएंगे। हाँ बाबा, तुम नहीं जाओ। देखा, मुन्नी भी कह रही है। पगली, तूने सिखा दिया होगा। अच्छा चलो चलो भागो। ये लो अपना ग्लास। Ah!
लफंगा दीपक किधर है? कौन? दीपक। वो लफंगा दीपक? अरे उन्हें उधर कहीं से भी खेलता रहेगा। ले, ये आ गया। आज कोई ना चढ़ियो। क्या क्या हाल है? अरे मुझे आज बहुत पैसा लूटा है। अरे मुझे आज कोई ना चढ़ियो। बेटा उस्ताद आज बहुत खुश है, अपन ने अच्छे स्टैंड का पार्टी आउट कर दिया। आज तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी करतूत मालूम हुई, फीस इकट्ठी कर ली। कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हूँ साथ? जिंदगी में एक बात मानोगे? क्या मानोगे तो कहूँ। तू बोल तो सही। देखो प्रकाश भैया की फीस के लिए रुपया लाया। जुआ खेल? जुआ चोरी कुछ भी तुम ले लो ना। देखो तुम्हें शागिर की किस्म ले लो साथ। दीपक तू समझता है कि ऐसी फीस देने से प्रकाश पास हो जाएगा क्या? नहीं। अरे भैया तुम ले लो। नहीं नहीं तुम अच्छे काम में लगा दोगे, नहीं तो अपन जुआ खेल के, नहीं तो संदीप पी के उड़ा देगा। उड़ा दे प्यारे, मैं अगले स्टैंड पे जा रहा हूँ। अच्छा। अरे हाँ भाई फ्लैश खेलने वाला। ये इस्तीफा तुम्हारा? जी। लेकिन अजीत को जो मुजरिम साबित करने की जिम्मेदारी तुमने ली थी? वक्त आने पर मुजरिम अक्सर खुद ही अपना जुर्म साबित कर देता है, और आपको भी तो मुझ पर। ठीक है, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है, तुम जा सकते हो। अच्छा कहाँ चलना है? वहीं। और रास्ते में? रास्ते में कुछ नहीं, 50 रुपए हों, ज्यादा है। इंसानी जान की कीमत 50 रुपए से ज्यादा है। दे दिए जाएंगे पहले दाम। ये तुम्हारी ज्यादती, दूसरी रिक्शा कर लीजिए। ठहरो। बैठ जाइए। बहुत आस्ता जा रहे हो। जख्म अभी भरा नहीं, डॉक्टर का ख्याल है कि टांग कट भी सकती है। तो फिर रिक्शा क्यों चलाते? आस्ता नहीं, परसों तक छोटे भाई की फीस और इम्तिहान का दाखला भरना। कितना होता है? 150 रुपए। एक तरकीब बताएं। फरमाइए। हट्टे कट्टे आदमी हमारे शरीफ हो जाओ, कहो तो दाम पेश की दे दें। खाना नहीं सीखा है, और अभी अभी जो 50 रुपए लिए हैं वो हराम नहीं थे? ये मेरे खून का दाम है जो तुमने बहा दिया। ये मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे छोटे भाई के आंसुओं की कीमत, ये मेरे इतने दिनों की बेकारी का दाम। वसूल हो गया? ये कभी वसूल नहीं होगा। तो तुम डरपोक नहीं हो? ये कभी मत समझना बाबूजी। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमारा राज फाश नहीं किया। मैं खुश नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि मजबूर हूं। अगर मुझे मासूम जिंदगियों का खतरा ना होता तो मैं खुद तुम्हें समझ लेता। जिद छोड़ दो, हमारे साथ शरीक हो जाओ, फायदे में रहोगे। मैं इतना जलील नहीं हूं। जलील का लफ्ज तुमने हमारे लिए इस्तेमाल किया? जी हाँ। तुम्हारी ये मजाल कि शरीफत के लिए? शरीफत को बहादुरी का कोई विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला है जो मैं उससे डर जाऊं। शरीफत अगर मर्द होता तो एक निहत्ते आदमी पर 10 आदमियों को हमला करने के लिए नहीं करता। किसी के पीठ पर पिस्तौल चला देने से बहादुरी की धाक नहीं कायम हो जाती? वैसे तो तुम्हारी बहादुरी की धाक भी हम पर कायम हो चुकी है, मगर तुम हद से ज्यादा शरीफ आदमी मालूम होते हो। मगर तुम्हें यह नहीं मालूम कि दुनिया वालों को तुम जैसे शरीफ आदमी की कोई जरूरत नहीं। जब ये बात तुम्हारी समझ में आए तो श्रीपद को याद कर लेना। श्रीपद के लिए यही बेहतर होगा कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। ओ सरिता, तुम क्या मिला वो? हाँ मिला था, मैं तो उसे यहां तक भी लेकर आया था। मान गया? नहीं, बड़ी सख्त हड्डी है,
वो आसानी से नहीं मानेगा। तो क्या इनकार कर दिया उसने? हाँ, मगर ये काम तो करना ही होगा। श्रीपद जो काम हाथ में लेता है वो हो जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? उमेश मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो बहुत परेशान है। हाँ, हमारी परेशानी कोई नहीं जानता। अच्छा जाओ। अरे हाँ। ये सब 420 का धंधा आ रहा है, वो अपने आदमी जीता ही कर रहा है। अरे नहीं, खुली रहता है, तुम में दम है, तुम भी जीतो। हम भी जीता और क्या। अयो दीपक, इसमें कुछ लूटने का बात जरूर है। अरे नहीं रहे, कुमार का धंधा हो रहा है। हाँ। तुम कुमार नहीं क्या? क्या कल रिक्शे का रेस होने वाला है। अच्छा, और जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम भी मिलेगा। इनाम उसी दिन मिलेगा क्या? उसी वक्त जीतने वाले को मिलेगा। अरे हाँ बाबा, हम कब बोलता है हमको मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा ना। बराबर मिलेगा। दाखला कितना है? 5 रुपया बस। और क्या, तू शरीक हो रहा है क्या? अरे अपन ज्वारी आदमी उस्ताद, कहाँ शरीक नहीं होते। अच्छा, ले ले 5 रुपए अपने पास, ले अपना नाम भी लिखा देना। अरे काय को रुपए बर्बाद करते हो उस्ताद। अच्छा, अरे जहाँ इतना गया वहाँ ये भी सही। मैं जरा चाय पी के आता, मेरा कोट देखना। उस्ताद कई माल पे हाथ साफ करता है। अरे उस्ताद का माल अपने पे होता। बहुत जल्दी तेरा उस्ताद रिक्शा तेरे ही नाम लिखने वाला। अरे ऐसा भी लिखना दो ना, क्या होता है। तुम तो बेकार की फिक्र ले बैठी हो। हाँ, मैं तो सब कुछ ही बेकार करती हूँ। प्रकाश, तुम खुद आकर देख लो, जिसम तवे की तरह तप रहा है। घर में घुसे तो एक कदम उठाया नहीं जाता था, जख्म बह रहा है और आप रेस में शामिल होंगे। लक्ष्मी तुम छोड़ो, जानबूझकर अपने आप से दुश्मनी। अगर ऐसे ही अपनी जान गंवानी थी। भैया, तेरी भाभी ने जिंदगी में आज पहली बार ऐसी बात की। करे ही क्या बेचारी, तुमने तो कसम ही खा ली है किसी की न सुनने की। मैं क्या वाकई गलती पर हूं? तू भी यही सोचता है? ये मैंने कब कहा? तो फिर तू मेरा हौसला क्यों नहीं बढ़ाता, अपनी भाभी को क्यों नहीं समझाता? देख पर अब सिर्फ दो ही रास्ते, या तो ये कि मैं रिक्शा बेचकर किसी की नौकरी कर लूं, या फिर ये रेस जीत जाऊं। लेकिन लेकिन इस हालत में रेस जीतना क्या होने वाला है? भगवान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। नसीब साथ हैं उन्हें जगाए जा, उन्हें जगाए जा। जहां को पीछे छोड़ के, जहां को पीछे छोड़ के तू दांव जीत ले। जमाने को झंझोड़ के तू दांव जीत ले, दांव जीत ले। जा जगमगाए जा, कदम बढ़ाए जा, न डर कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा। ये लो तुम्हारा इनाम। प्रकाश चंद्र नाइक रिक्शा वाले का भाई। कॉलेज स्टूडेंट ब्रेक्स यूनिवर्सिटी का। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। अरे वाह 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 वाह, देख, एक रिक्शा वाले के भाई ने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अरे मैं तुझसे कहता था कि तू जांच करेगा तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तेरी भाभी कहाँ है? भैया मुबारक हो, क्या चांद सा लड़का हुआ।
बोल बोल। माँ के पास बहुत प्यारा गुड्डा है। अच्छा 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 चलो हम ले चलते हैं। आप लोग भेजिए देखिए उसमें वो मिठाई रखिए जरा मुँह मिठाई खुवा देंगे। लक्ष्मी 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 मुबारक हो। प्रकाश भी इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास हुआ। ये भगवान की अजीब आदमी जब खुशी देता है तो झप्पर फाड़ कर देता है। ऐसे मौकों पर लोग पागल के नहीं होते। अब हमारे दिन बदल जाएंगे लक्ष्मी। उमा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। कहिए। तुम कहती थी मैं प्रकाश पुलिस में भर्ती होना चाहता है। जी तो एक काम करो उसे बुलवा लो एक बार मुझसे मिल ले। कब डैडी? आज ही डैडी। तो जो लोग सिर्फ पैसे के लिए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें कोई दूसरा पेशा ढूंढना चाहिए। पुलिस की नौकरी जनता की सेवा है और सेवा कोई दाम नहीं मांगती। सोच लो हो सकता कल तुम्हारे पांव लड़ खड़ा जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो कि इतनी मेहनत करके कहीं भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ तो कल एक फॉर्म वगैरह भर दो। जी बहुत अच्छा। देखो अब जब तुम पुलिस में भर्ती हो ही रहे हो तो मेरे ख्याल में तुम्हें दिलचस्पी भी हो। किस बारे में? अजीत पर जिन बदमाशों ने हमला किया था अजीत ने उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं बतलाया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुलजिम डकैती और खून करके अभी तक छूट पर है। ये पुलिस पे एक धब्बा है। हो सकता कल वो इससे भी बड़ा जुर्म करे लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि पब्लिक हमारा साथ नहीं देती है। न जाने किस डर से या क्यों हर कोई मुजरिम को पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसी हालत में पुलिस क्या कर सकती है? शक के बिना को मुजरिम नहीं पकड़ा जा सकता। सबूत पब्लिक नहीं देती। आप ठीक फरमा रहे हैं। तोताराम सिल्क स्टोर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं। वो मोटरसाइकिल पर आएगा। मोटरसाइकिल देखते ही गाड़ी स्टार्ट कर देना। सिर्फ ट्रिगर पर उंगली रखने की जरूरत है। बाकी सब तैयार। ये काम हो जाएगा ना? कोशिश करूंगा। होना चाहिए। अच्छा खातों से पिस्तौल नहीं चलाया करते। प्रकाश सरिता तू ये पिस्तौल ये लिबास ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पहचान लिया नहीं तो ये गोली चला देती मुझ पर। खैर छोड़ो इन बातों ये बताओ हैदराबाद कब आए? जब तुम आई। कोई कह रहा था कि इस ऑफिसर का भाई रिक्शा चलाता है। हाँ भैया रिक्शा चलाते हैं। तो क्या मुझ पर गोली मारने के लिए भी उसी ने कहा था? किसने? जिसने तुम्हें ये बताया इस अफसर का भाई रिक्शा चलाता है। वो तो मैंने ऐसे ही सुना था। सरिता अगर तुम मुझे नहीं पहचानती तो वाकई मुझ पर गोली चला देती। प्रकाश तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो लिपस्टिक निकाल रही थी। फिर तुम मुझे यहाँ तक लाई क्यों? देखो प्रकाश तुम अपनी जिंदगी को इस तरह खतरे में न डाला करो।
बड़े रहम होते हैं वो लोग जिनसे तुम्हारा पाला पड़ता है। मैं जानता हूं। अच्छा तो अब मैं चलूं। जा सकती हूं। प्रकाश मुझसे दूर रहना, नजदीक आने की कोशिश ना करना। जी बहुत भोले हो तुम। हेलो, वो काम नहीं हो सका। क्या? जी हाँ, वो काम नहीं हो पाया। वजह से मैं भी उलझ गया। इन चक्करों में से निकलना भी तो आसान नहीं होता। कुछ दिन निभा लो। उमेश रोते नहीं पगली, तुम जाओ अपना प्रोग्राम करो, मैं संभाल लूंगा। जाओ जाओ जाओ। Thank you.
बाबू जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा, ये जग के नजारे जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा। ओ बाबू जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा, ये जग के नजारे जरा देखता जा, ओ बाबू जरा देखता जा। हो बाबू जरा देखता जा, हो बाबू जरा देखता जा, ये जग के नजारे जरा देखता जा, हो बाबू जरा देखता जा। बड़े अफसर का बड़ा भाई रिक्शा चलाता है। मेरे प्रकाश को सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर तुम कुछ न कहोगी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं घंटा दो घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं चाचा जी से कह दूंगी कि बाबा तुमसे चोरी रिक्शा चलाते हैं। नहीं मुन्नी, ऐसा कभी नहीं कहना। मेरी गुड़िया लिए आओगे ना? अच्छा, अब मैं तेरे चाचा जी से कहूंगा कि मुन्नी रिश्वत मांगती है। तो चाचा जी क्या कर सकते हैं? चाचा जी तुझे पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा नहीं 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 नहीं, मेरी मुन्नी हम तुझे बुला लेंगे। उसको अच्छा ला मुझे, मैं चला। देखो जल्दी लौट आना। हाँ अच्छी बात। अजीत बाबू घर में नहीं है? जी नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। रिक्शा चलाएं तो उन्होंने बंद कर दी है ना? जी हाँ, जब से प्रकाश की नौकरी लग गई है जब से वो रिक्शा नहीं चलाते। मैं उनसे मिलने आया था। कोई जरूरी काम था? जी हाँ। डैडी मैं अभी आई, गाड़ी में मेरा बैग रह गया है। अच्छा। आप बैठिए, मैं चाय ले आऊं। नहीं नहीं, आप भी बैठिए ना, बैठिए। बात यह है कि मुन्नी जा तो देख उमा क्या कर रही है। अच्छा ना मुन्नी जा। बात दरअसल यह है कि आप तो जानती हैं उमा की माँ नहीं, और मैंने सब कुछ किया नहीं। औरतें ही अच्छी लगती हैं,
मेरा ख्याल आप मतलब समझ गई होंगी। जी हाँ मैं समझ गई। तो फिर आपको रिश्ता मंजूर है? मंजूर? आप ये क्या बात करते हैं, हमारी इससे ज्यादा खुशकिस्मती और हो ही क्या सकती है। हमारी तो ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना होती, कहाँ हम और कहाँ आप। और फिर प्रकाश जो कुछ आज है वो भी आप ही की दया से। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इंसान को इंसान देखना चाहता हूँ। मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ था। इस घर में मुझे अपने बचपन की याद आती है। लड़का अच्छा होना चाहिए, बाकी ये गरीबों और अमीरों के दरमियान जो दीवारें हैं बेमानी, समझिए आज ये कल में टूटी। खैर आज अजीत बाबू नहीं है, कल इतवार है, उनसे कह दीजिएगा मैं कल फिर आऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही उन्हें भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो लड़की वाला हुआ, ये मेरा पद है। जैसे आपकी मर्जी। लाश का क्या किया? ठिकाने लगा मालूम है कहां रखना। क्या मैंने कहा? देखो तो ये कैसी आवाज आई थी, मुझे तो कोई लगता है यहाँ। आवाज? कोई बिल्ली बिल्ली हो। जाओ सो जाओ। भाभी भाभी मुबारक हो। अरे तुझे भी मुबारक हो, लो मुंह मीठा तो करो। सुंदर भैया, सबसे कह तो दिया है कि रात का खाना आज यहाँ पर है। अरे कह क्या दिया, मैंने तो ढंडोरा पिटवा दिया, हैदराबाद के सारे रिक्शा वालों को दावत दे दी। मगर भाभी हैदराबाद में 20,000 रिक्शा वाले हैं। अरे तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। आने दो एक एक होके, लो लो लो, रात को खाना भी है, बैंगन का पुलाव। प्रकाश? अरे ओ प्रकाश, उठता है कि नहीं? बाहर लोग आ गए और तू अभी तक सो रहा है, उसको नहा धो ले। सोने भी दो ना भाभी। अरे वाह, जैसे तो तुझे नींद ही आ रही है। यूं क्यों नहीं कहता कि रात भर जागता रहा, तड़पन लगी हुई थी कि कब सुबह हो। क्यों, तुम भी क्या बातें करती हो भाभी। अच्छा अच्छा चल जाकर नहा ले। अरे सुनती हो? अभी आई। अरे ये क्या, बाहर लोग आ रहे हो तुम यहाँ खड़े हो? मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, सोचता हूँ क्या पहनूंगा। पहन लो वही फटाकोट, और क्या, कितनी बार कहा कपड़े सिलवा लो मगर तुम सुनो तो। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा दिन भी आएगा। लक्ष्मी ये मुन्ना हमारे लिए कितना खुशकिस्मत हुआ है, तुम खुश तो होना। अब छोड़ो भी, मैं कब से कह रही थी ये घर बदल डालो, इतने बड़े लोग घर पर आ रहे हैं, ये सब क्या अच्छा लगता है? सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। हाँ जैसे तुम्हारे कपड़ों का हो गया। अच्छा ये बात कहो तो अभी ले आऊं? क्या 2 मिनट में सिल जाएंगे? अरे सिले सिलाए तैयार है, पगली सिर्फ लाने की देर। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारी साड़ी, मुन्नी के फ्रॉक, मेरे और प्रकाश के कपड़े सब तैयार है। तो फिर मुँह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर ले आओ ना। अच्छा अच्छा, अरे हाँ एक फोटोग्राफर भी आओ। अब ये नई मुसीबत क्या है? हम जब सब इकट्ठे होंगे ना तो वो हमारा फोटो खींचेगा। अच्छा जाओ, जो भी कुछ लेना है जल्दी लेकर आओ, वो सब आते ही होंगे। मामा पुलिस आई है चाचा जी को पकड़ने के लिए। अगली गई की पकड़ने के लिए नहीं आई, लड्डू खाने के लिए आई है। चल आइए आइए हवलदार साहब। क्या बात है? प्रकाश साहब को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी आओ, हवलदार साहब का मुंह तो मीठा करो। लीजिए हवलदार साहब। प्रकाश आज तो तुमको छुट्टी थी, फिर कहाँ जा रहे हो? कोई केस आ गया होगा। जरा जल्दी आना, वो लोग आ रहे होंगे। और हाँ देखना, मैं एक फोटोग्राफर भी ला रहा हूँ। फोटोग्राफर? हाँ हाँ, ऐसे मौकों की याद फोटो लेकर रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा चलो। कितना अच्छा लगता है ये लक्ष्मी। अब तुम जाओ तो।
नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं तो जल्दी चला आया। नहीं नहीं, आप आइए। आइए आइए। अजीत बाबू नहीं है जी, वो अभी अभी बाहर चले गए, आते ही होंगे बस, आप देखिए। और प्रकाश? उसे उसे पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया था आज जी। पुलिस की नौकरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता जी। हाँ ला भाई, रख दो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जीती रहो, कैसी हो? अरे फोटोग्राफर साहब आइए ना। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देखो मैं कहता था सारे कपड़े तैयार, इसमें तुम्हारी साड़ियाँ, मुन्नी का। आयस्ते बोलो। क्यों आयस्ते क्यों बोलो? वो लोग आ गए। आ गए? वो जो कुर्सी पे बैठे। हाँ भाई। अरे आइए ना। अरे देख रहे हो सारे। माफ कीजिएगा, मैं जरा बाहर चला गया था। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। आप भी बैठिए ना। जी हाँ, कल आपसे मुलाकात ना हो सके। जी हाँ, लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उमा देवी नहीं है? कैसी बातें करती हैं? माफ कीजिएगा, मैं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना तो कुछ बौखला सा जाता हूँ। शगुन के रूप में लो लक्ष्मी, ले लो, तुम उसकी माँ के बराबर। ओह प्रकाश भैया आ गए। आओ प्रकाश भैया, आओ प्रकाश भैया, लोग यहीं ठहरो। तुम्हारा इंतजार कर। अरे आजा प्रकाश, आजा, हम लोग तेरा ही जिक्र कर रहे थे। फोटोग्राफर साहब आइए आइए, फोटो लीजिए। नहीं अजीत बाबू, आप मेरे साथ आइए, जरा अकेले में, मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। मेरा प्रकाश, आखिर मामला क्या है? मलकपेट में एक लाश मिली है, कत्ल करने का शक अजीत बाबू पर है। प्रकाश, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक ही कर रहा हूँ लक्ष्मी देवी। अजीत बाबू, कल रात के 12 बजे आप कहाँ पर थे? मैं घर में था। फिर सोच लीजिए, हमारे पास सबूत है कि रात के 12 साढ़े 12 के दरमियान आप रिक्शा लेकर। हाँ, हाँ, मैं रिक्शा चलाने गया था। तो पहले आपने झूठ बोला। हाँ प्रकाश, तुम्हारे भैया तुमसे चोरी कल रात रिक्शा चलाने गए थे। आप बताइए, और ये ख्याल रखिए, आपका हर लफ्ज सच झूठ आपका बयान समझा जाएगा। कल रात आप रिक्शा चलाने गए थे? जी हाँ, गया था। 12 और 12:30 के दरमियान एक औरत सरिता आपके रिक्शा में बैठी? सरिता? जी हाँ। आपने जवाब नहीं दिया? हाँ बैठी। उसके गले में हीरो का हार और दूसरे जेवरात? ये मैंने नहीं देखा, ये मेरा काम नहीं है। चलो घर की तलाशी लो। नहीं लक्ष्मी देवी। प्रकाश, तुझे अपने घर की तलाशी लेकर शर्म नहीं आती? पुलिस के काम में रुकावट डालना जुर्म है, आप इनके साथ जाइए। नहीं, मेरे घर के अंदर पुलिस नहीं घुसेगी। लक्ष्मी, इन्हें घर की तलाशी ले लेने दो। नहीं मैं। लक्ष्मी जाओ। प्रकाश, तुम्हारा क्या ख्याल? मैं कत्ल कर सकता हूँ? ख्याल का सवाल पैदा नहीं होता। मैं एक सरकारी अफिसर हूँ। सरकारी अफिसर, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। वर्दी पहनते ही तुम सब एक से हो जाते हैं, खरे खोटे की तमीज भी नहीं रहती। हर जुर्म के लिए किसी गरीब पर ही नजर पड़ती। कानून गरीब और अमीर नहीं देखता अजीत बाबू, अंधा हो जाता है, भाईबंद भी नहीं देखता। आपका मेरा बड़ा भाई होना कानून के नजरों में कोई माने नहीं रखता। ये क्यों नहीं कहता कि तेरी नजरों में भी नहीं रखता? इस ख्याल से तुझे शर्म आती होगी कि एक रिक्शा वाला तेरा बड़ा भाई। मैंने क्या इन्हीं अरमानों से तुझे पढ़ाया था? क्या इसीलिए मैंने जान की बाजी लगाई थी कि तुझे मेरी बात पर यकीन भी नहीं आएगा? एक शुभ मुहूर्त था जिसके स्वप्न में जिंदगी भर देखता रहा, तू आकर घर की तलाशी ले रहा।
जानता है तेरी सगाई हो रही थी, वो मुझे शुगन के रुपए दे रहे थे। तेरी भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन तेरे कानून को हमारी एक दिन की खुशी भी पसंद ना आई। तूने आज तक मुझे किसी के साथ एक पैसे की भी बदयंती करते देखा? घर लूट गया, मैं तबाह हो गया, रिक्शा चला ली, तेरे इम्तिहान के लिए जान पर खेल गया। जानता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा था? रिक्शा चलाने से टांग कट जाएगी। उस दिन मैंने किसी का खून नहीं किया, उस दिन मैंने किसी के घर डाका नहीं डाला, फिर आज मुझे कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि एक औरत का खून कर देता, वो भी चंद जेवरात के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये जेवरात मिले हैं। मेरे घर से नहीं, ये सब कोई चाल है प्रकाश, कोई धोखा है। नहीं नहीं प्रकाश, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ प्रकाश, नहीं, तेरे भैया किसी की हत्या नहीं कर सकते प्रकाश। एक दिन मैं आपको सबूत दूंगा, उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप भी समझ जाएंगे कि जाहिरन मासूम और मुसीबत के मारे ही दरअसल मुसीबत की जड़ है। अजीत बाबू, उठो लक्ष्मी, उठो, इसे हथकड़ी पहना लेने। मैं भी तो सेहरा पहनाने की तैयारी कर रहा था। सरकारी अफसर, शायद मुझ पर जुर्म साबित होने से इसका ओहदा बढ़ जाए। फोटोग्राफर, देखते क्या हो, फोटो लो। ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। भाई भाई को हथकड़ी पहना रहा है और समधी खड़े सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी कहां झोंक रहे हैं। भगवान, अगर भगवान है तो तमाशा देख रहा है, गूंगा है, पहरा है। Thank you.
ये कैसी प्यारी प्यारी लगन थी लगा दी, कलकत्ता तुमसे आँख लड़ा और बम्बई होगा शादी। हेलो 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 हैदराबादी, कलकत्ता तुमसे आँख लड़ा और बम्बई होगा शादी। हेलो 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 भैया, मैं इस वक्त तुम्हारे पास इंस्पेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई प्रकाश आया हूं। तुम इस रवैये से पुलिस का काम मुश्किल कर रहे हो। मैं जानता हूं ये काम तुम नहीं कर सकते। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं। अगर तुम चाहते क्या? मैं सच्चाई चाहता हूं। तुम मुझे बता दो ये जो कोई भी डाकू या कातिल है उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो प्रकाश। तुम भाई बनकर मुझसे सब कुछ मनवाना चाहते हो जो इंस्पेक्टर बनकर न मनवा सके। तुम्हारे दिल में कोई डर है, तुम जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। भैया तुमने मुझे पुलिस में क्यों भर्ती करवाया था? एक निर्दोष आदमी को हथकड़ी लगाने के लिए ये तो कोई भी कर सकता था। प्रकाश तुम ये नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो। भैया हार मान लो। हाँ मैंने लड़ना सीखा है, हार नहीं मानूंगा। तो फिर मैं कुछ नहीं जानूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी। जिन सवारियों ने तुम्हें गोली मारी थी वो कौन थे? मैं कुछ नहीं जानता। तुम उन्हें कहाँ लेकर गए थे? जहाँ मेरी रिक्शा मिली थी। शुक्रिया तुमने मेरा काम आसान कर दिया। प्रकाश प्रकाश तू बच्चा है, ये बदमाश सब मिले हुए। उमेश। पिताजी आप अभी तक सोए नहीं? काफी रात हो चुकी है। तुम्हें कुछ मालूम है उमा कहाँ गई है? उमा घर में नहीं है। उमा घर में नहीं है? हाँ। ओह प्रकाश ठहरिए मैं भी पता करता हूँ। प्रकाश ये लो पी लो, सब कम गलत हो जाएंगे। लो हेलो। हाँ मैं उमेश बोल रहा हूँ। ओ दोस्त। अरे सुनो वो प्रकाश का क्या हुआ? प्रकाश मुझे अफसोस है दोस्त, वो हमारा भी उस्ताद निकला। तुम्हें नहीं मालूम वो उमा को भगा कर ले गया। झूठ। क्या कह रहे हो? प्रकाश उमा को भगा ले गया? मेरे आदमियों ने उन्हें देखा था साथ में, वो कहते दोनों भाग गए। मैं आपसे पहले ही कह रहा था आखिर हुआ ना वही जितना मुझे खतरा था, लगाई न होने पर प्रकाश उमा को भगा ले गया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं अभी भी फोन करके जो आ रहा हूं। फोन? किसे फोन करने गए थे? किसे खबर दी? मैं तुमसे पूछता हूं। किसी ने भी दी इससे क्या फर्क पड़ता है? उमेश तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर पुलिस के साथ फॉर्म भर जाओ। हाँ हाँ बनने पर। उमेश उमेश
बैठिए। नहीं नहीं बैठने का समय नहीं, समझ में नहीं आता। मैं आप बैठ तो जाइए। लक्ष्मी देवी आपको सुनकर बहुत दुख होगा, मेरा आपके आना हमेशा बदसुगुन ही होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत किसी एक को मनहूसी काम सौंप देती है। यकीन कीजिए मैं, मुझे बहुत अफसोस इस बात का। आज मैं प्रकाश और उमा, अजीत बाबू आपके अपने, किसी हद तक हैदराबाद और शायद सारे देश की भलाई के लिए मैं आज आपसे एक दरखास्त कर आया हूं। वक्त बहुत कम है और समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं, और फिर मैं जो कुछ कहूंगा आप उस पर यकीन करेंगी, इसकी तो मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं। प्रकाश और उमा दोनों गायब जी। हाँ, और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि प्रकाश उमा को भगा ले गया। प्रकाश? अजित बाबू को तो मैं अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन इन दोनों को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 भगवान, अब ये नया इम्तिहान क्या ले रही हो? मुझे डर है कि उन दोनों की जान खतरे में। जान खतरे में? वक्त बहुत कम है, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं गाड़ी दूर खड़ी करके आया हूं। अच्छा यही होगा कि मैं यहां आया था या आप मेरे साथ गई, इस बात का किसी को पता न चले। कैसी है
बेटी। अंधेरे में क्यों बैठे हो? मुन्नी, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मुझसे नाराज हो गई? बाबा कोई चोर है? कौन कहता है तेरे बाबा चोर हैं? मैं खेलने गई थी तो सब कहते थे कि तेरे बाबा चोर हैं। नहीं नहीं, झूठ बकते हैं, तेरे बाबा चोर नहीं हैं। तो फिर तुम उनको पकड़ के क्यों ले गए? तूने खाना खा लिया मुन्नी? नहीं, माँ और उमा दीदी रोती थी, खाना ही नहीं पकाया। उमा आई थी? हाँ। तुझे भूख लगी है ना? चलो माँ से कहे खाना बनाए। चलो चलो। मुन्नी ने क्या कसूर किया था जो उसे भी खाना नहीं खिलाया? भाभी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भाभी। मुन्नी, अपने चाचे से कह अपने कमरे में जाए, मैं वहां खाना दे दूंगी। रहने दो खाना, तुम्हें बात करना ही गवारा नहीं। मैं खाए बिना भी रह सकता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जो सब मुझे ताने दे रहे हैं? मैं चलता हूँ। कभी मुंह दिखाने के काबिल हुआ तो फिर आ जाऊंगा। प्रकाश, ठहरो प्रकाश। तू कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चलकर खाना खा। अब खाना खाने जैसी बात नहीं रही, मुझे जाने दो। उन्हें जेल में बंद कराया, अगर अब तुझे जाना ही है तो हम तीनों का गला घोंट कर जा, तुझ पर भार बन जाएंगे ना हम। भाभी, तुमने मुझे इतना नीच समझा है, आज तुम सबको गिनने लगी। मुन्ना और मुन्नी मुझ पर भार हो जाएंगे। रो मत भाभी, भाभी रो मत। मुन्नी की तरफ देखो, वो क्या सोचती होगी? हमारे भार फूटे। इतनी जल्दी हार गई? तुमने भैया से यही सीखा है? तुम तो मुझे याद दिलाया करती थी, तुम्हारे भैया ने लड़ना सीखा है। परायों से तो कोई लड़े भी, लेकिन जब अपने ही, जब तुमने खुद अपने हाथों से उन्हें हथकड़ी पहनाई है, जानता उनके दिल की क्या हालत हुई होगी? मैं नहीं जानता तो और कौन जानेगा? वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन भाभी, कोई मेरे दिल की भी जानता है? किसी ने मुझसे भी पूछा तुझ पर क्या बीती? मैं कोई मशीन नहीं, मेरे भी दिल है,
लेकिन लेकिन क्या करता है? तू जानता था कि तेरे भैया निर्दोष है, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। जानता था ही नहीं, जानता हूं, लेकिन लेकिन सबूत तुम्हारी आंखों के सामने मिला है। नहीं नहीं, रात को कोई कमरे में था, जरूर ये किसी की शरारत है, जानबूझकर तेरे भैया को फंसाया है। अदालत सबूत मांगती है। और सबूत तेरे भैया के खिलाफ मिल चुका है। ये आखिरी सबूत नहीं है। तो भैया निर्दोष हैं और निर्दोष साबित होंगे। भाभी, तुम्हारा तो भगवान पर विश्वास है, मनुष्य बेशक चाहे लेकिन भगवान दुनिया में अंधेर नहीं होने देता। अजीत के पकड़े जाने से ये उम्मीद की जाती है कि उसके गरोह के डाकू भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ले रहे अब अपना नंबर भी आ गया रे। अयो छोटा भाई ने बड़ा पकड़ पकड़ लिया रे। हाँ, ये कानून का बात रे। अरे कैसा कानून रे? अरे हिंदुस्तान का कानून रे। हिंदुस्तान का कानून? अयो अयो नहीं रे। अरे क्या रे, सीधा रहो रे। भैया हमारे आए हैं, लड्डू पेड़े लाए। भैया हमारे आए हैं, लड्डू पेड़े लाए। भैया हमारे आए हैं, दिल लड्डू पेड़े लाए हैं। अरे भाई दोस्त। हाँ उमेश बोल रहा हूँ। ओह हेलो, सुनाओ भाई क्या खबर है? महफिल गरम है, तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ भाई। अच्छा महफिल गरम है, कुछ नाच गाना भी है कि नहीं? गुड। अच्छा और सुनो, उस काम का क्या हुआ? अच्छा और प्रकाश का क्या हुआ? अच्छा आते हो? हाँ हाँ, बस 5 मिनट पहुंचता हूँ, जरा चेंज कर लेता हूँ। बाय बाय। कहा था मैंने उस कंबल से कि उनके रास्ते से हट जाओ। भाई तो तुम्हारा ही है, वो अपनी जिद से क्यों हटता? पुलिस को अभी तक उनके अड्डे का पता नहीं चला। तुम जो खामोश हो इसीलिए ना कि वो गुंडे तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों से बदला ना ले सके। वो समझे कि तुम उनके साथी हो। तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने जन सगों के लिए तुमने अपने सारे देश, सारे हैदराबाद को खतरे में रखा और फिर वही हुआ, तुम अपने भाई को ना बचा सके। जानते हो आज उसकी जिंदगी खतरे में है। अब क्यों चुप हो, अब क्यों जवाब नहीं देते? तुमको प्रकाश से भी ज्यादा कोई और प्यारा है जिस पर वो रहम करेंगे? मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने खुदगर्ज और इतने कायर हो। हमने शादी करने का फैसला किया है। जाओ और जाकर शादी का इंतजाम करो। शनाई वाले को बुलाओ, ब्राह्मण को बुला के लाओ। जाओ जल्दी जाओ, और बार खुली है, जिसको पीना है पियो जाकर। जाओ मगर ठहरो। तुम लोग कैसे पी खा सकते हो जबकि हमारी रानी भूखी बैठी है? जाओ और जाकर खैरू को कहो कि रानी के लिए खाना लेके जाए। आप पियो। उमेश साहब आए। उमेश जी इस वक्त बुलाओ उसे। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। अच्छा श्रीपाद, 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 ए दीपक गुलाब क्या भाई, वहाँ भाई साहब तुम लोग मेरे साथ। अरे उस्ताद हुआ क्या? आज सच और झूठ का फैसला होने वाला है, आज पता चलेगा कि कातिल कौन है। तुम लोग मेरे साथ चलो। सामने के कमरे में है, जरा संभल के जाना, नहीं तो जान की खैर नहीं। तुम फिक्र मत करो।
और सुनो, तुम्हारा नाम खैरू है? खैरू? खैरू हाँ। खैरू, ये आज घूंघट डाल के कहाँ चली? अजी छोड़ो ना, ये बेवक्त की छेड़छाड़ अच्छी नहीं। मेरी जान, बात तो सुन। अजी छोड़ो ना। बीबी जी, आपका खाना। नहीं चाहिए, ले जाओ। लीजिए ना। कह दिया ना। उमा। प्रकाश, मुझे मालूम था तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाएगी। प्रकाश, प्रकाश। अभी नहीं, मुझे तुम जैसे शरीफ बरातियों की जरूरत है। काश तुम्हारे भाई ने मेरी बात मानी होती तो आज वो भी इन मुअज्ज़ज़ मेहमानों में होता। आइए। शहनाई क्यों नहीं बजी? ब्राह्मण क्यों नहीं आया? बॉस, ब्राह्मण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? श्रीपत बाकायदा शादी करना चाहता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये खिदमत कर सकता हूँ। तुम शादी करवा सकते हो? हाँ, हमारा ये खानदानी पेशा है। मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी पहले यही काम करते थे। हमें मंजूर है। मगर पिस्तौल दिखाकर कानूनी शादी नहीं हो सकती। हम इसे जेब में रख लेते हैं। नहीं, रस्म और रिवाज दूल्हे के पास पिस्तौल की इजाजत नहीं देते। किसी को दे दीजिए ना। राजा, पिस्तौल संभालो। चलो। चलो इधर। Thank you.
लक्ष्मी देवी आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। चले जाइए, मैं कहता हूं चले जाइए, चले जाइए वरना मैं गोली चला दूंगा। देखिए मैं गोली चला दूंगा, चलाओ गोली। रुक क्यों गए? चलाओ पिताजी, मैं कह रहा हूं मैं गोली चला दूंगा। पिताजी कैसे मुझे बदनाम कर, पिस्तौल दिखा रहा था, तू समझता मैं तेरे पिस्तौल से डर जाऊंगा? बाजी बदमाश, पैदा होती क्यों न बन गया, मैंने तेरा गला क्यों न घोट दिया? सिपाहियों गिरफ्तार कर लो उसे। ये मेरी औलाद, अगर आज मुझे इख्तियार होता तो मैं इसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देता। उठो शेर पर बाबा। बेटी प्रकाश, कमिश्नर साहब, ये हैं आपके मुजरिम मिस्टर श्रीपत और उनके साथी। अब अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि मुझे भी गिरफ्तार। और तुम्हारे इन रक्षा वाले साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम लोगों ने हिम्मत से काम लिया है। काश के आज तक तुम इतने डरपोक न रहते। ये डाकू चोर गुंडे बदमाश पब्लिक के डर का फायदा उठाते हैं। अगर आज पब्लिक और पुलिस एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करे तो उनकी हस्ती मिट जाए। भाइयों ले जाओ इन्हें। अच्छा श्रीपत बाबू, नमस्ते, फिर शायद मुलाकात। कदम बढ़ाए जान पर कदम बढ़ा, कदम बढ़ाए जान, कदम बढ़ाए जान। अलग न साथियों से हो कदम मिला के चल, अलग न साथियों से हो कदम मिला के चल। अंधेरे छाए हो जहां दिए जला के चल, दिए जला के चल। नई जमीन पे आसमान नया बनाए जा, नया बनाए जा, कदम बढ़ाए जा, न डर कदम बढ़ाए जा।